वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में अपन किस चीज पे डिस्कस करेंगे, सेल बॉडीज पे। तो एक बार नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द नर्वस सिस्टम डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम क्या है, डिटेक्ट करता है, ठीक है, और रिस्पॉन्ड करता है किस चीज को, चेंजेस को, किसके कहाँ पे, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर और बाहर के जो दोनों चेंजेस हैं उनको क्या डिटेक्ट करता है और उनके उनको रिस्पॉन्ड करता है। टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंट्रोल इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, इसको जो अपने होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है उनको क्या है, मेंटेन करता है। नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट प्रोवाइड एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स वाइल एंडोक्राइन एक्टिविटी इज इन द मैन सोर एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड। नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स जो है उस पर इमीडिएट एक्शन लेता है, ठीक है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व। नर्वस सिस्टम में बनता किन किन चीज़ों से है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, पेरिफेरल नर्व से क्या अपना नर्व सिस्टम बनता है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्व टिश्यू विद इन द बॉडी अनेबल रैपिड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड रेगुलेट इनवॉलंटरी फंक्शन। जो नर्व सिस्टम वो क्या करता है, रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट रिस्पॉन्स करता है उस चेंजेस को एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस एंड रेगुलेट इनवॉलंटरी फंक्शन, और मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को और रेगुलेट करता है जो अपना इनवॉलंटरी फंक्शन है उनको, एग्जांपल ब्लड प्रेशर एंड डाइजेस्टिव एक्टिविटीज। रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेंटेन पोस्चर एंड मोर वॉलंटरी एक्टिविटीज। डिस्क्रिप्टिव पर्पज के हिसाब से जो अपना नर्वस सिस्टम है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन आफ्टर क्या आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्स्ट आपका CNS है, ठीक है, जो किस किस से बनता है, कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, अपनी ब्रेन है और अपनी स्पाइनल कॉर्ड है। सेकेंड देन आफ्टर क्या आता है अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। PNS में क्या है, consisting of all the nerve outside the brain and spinal cord. The PNS comprises paracranial and sacral nerves. Some of these are sensory afferent, some are motor efferent, and some mix. जो PNS है उसके अंदर क्या है, पेयर में होता है cranial और sacral nerve, ठीक है, जिसके अंदर कुछ क्या है afferent होती हैं या sensory होती हैं, कुछ motor होती हैं और कुछ क्या है दोनों mix होती हैं। इट इज यूजफुल टू कंसिडर टू फंक्शनल पार्ट विद इन द PNS। द सेंसरी डिवीजन, दो फंक्शनल पार्ट कौन से हैं, सेंसरी डिवीजन और एक है मोटर डिवीजन। इन टर्न द मोटर डिवीजन इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज। जो मोटर डिवीजन है उसके अंदर कौन से एक्टिविटीज होती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है। वॉलेंट्री के अंदर क्या है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, मूवमेंट ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स। और इनवॉलेंट्री में क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड।
द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हैज टू पार्ट सिंपेथेटिक एंड पैरासिंपेथेटिक। जो अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं उसके। कौन से हैं? सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक है। ये जो है अपने फंक्शनल कंपोनेंट है किसके? नर्वस सिस्टम के। सेंसरी रिसेप्टर है और एफरेंट ऑर्गन दिखाए गए हैं। सेंसरी में क्या क्या है? सेंसेशन है, साइट है, हियरिंग है, स्मेल है, टेस्ट है, टच का है। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है? ऑटोनॉमिक जो है उसके अंदर क्या है? केमो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर और ऑस्मो रिसेप्टर दिखाया गया है। इफेक्टर ऑर्गन के अंदर क्या है? सोमेटिक स्केलेटल मसल दिखाई गई हैं। ऑटोनॉमिक इन्वॉलंटरी में क्या है? कार्डियक मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ग्लैंड दिखाई गई हैं। सिंपेथेटिक डिवीजन और पैरासिंपेथेटिक डिवीजन दिखाया गया है। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए वेस्ट नंबर ऑफ सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बनता है? वेस्ट नंबर ऑफ जो अपनी है उनसे क्या है? सेल जो है उनसे क्या है? अपना बनता है। सपोर्ट बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू न्यूरोगैंग्लिया। सपोर्ट किसकी रहती है? इस पे स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की। Each neuron consists of a cell body and it processes one axon and many dendrites. न्यूरॉन्स आर कॉमनली रेफर टू सिंपली एज नर्वस सेल। न्यूरॉन्स जो है कॉमनली किसको रेफर करते हैं? सिंपली एज नर्वस सेल को। बंडल ऑफ एक्जोन बंडल टूगेदर आर कॉल्ड नर्व। जो बंडल है किसके? एक्जोन के, उनको क्या बोलते हैं? नर्व बोलते हैं। न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड इन फोर सर्वाइवल दे नीड ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। जो न्यूरॉन्स हैं उनको क्या है? अपन फर्दर डिवाइडेशन नहीं कर सकते क्योंकि इनको कंटिन्यूस सप्लाई किसकी चाहिए? ऑक्सीजन और ग्लूकोज की चाहिए। अनलाइक मेनली अदर सेल न्यूरॉन्स कैन सिंथेसाइज केमिकल एनर्जी एटीपी ओनली फॉर ग्लूकोज।
फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम आर नर्व इम्पल्स आर एक्शन पोटेंशियल विच आर टिनी इलेक्ट्रॉन चार्जेज. However, unlike ordinary electron wire, electrical wire, the neuron nerve or activity involved in conducting nerve impulse. In effect, the strength of the impulse is maintained through the length of the neurons. Effect of the strength of impulse is maintained throughout the length of the न्यूरॉन. तो इफेक्ट स्ट्रेंथ के, ठीक है, इम्पल्स के लिए वो कौन मेंटेन करते, किसके द्वारा, लेंथ ऑफ द न्यूरॉन के द्वारा. सम न्यूरॉन्स इनिशिएट नर्व इम्पल्स वाइल अदर एक्ट एज रियलाइजेशन वेयर इम्पल्स आर पास ऑन सम टाइम रिजेक्टेड या रिडायरेक्टेड. ये जो है स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर क्या है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है और एरो इंडिकेशन दिखाया गया है इंपल्स कंडक्शन का. ये जो एरो इंडिकेशन है ये किस चीज का दिखाया गया है, इंपल्स कंडक्शन का दिखाया गया है. प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूरॉन्स. Neurons have the characteristics of irritability and conductivity. Irritability is the ability to initiate nerve impulse in response to stimuli from outside of the body. Body के outside में क्या क्या होते हैं, touch, light wave, और inside के अंदर क्या है, changes in concentration of carbon dioxide in blood, respiration throughout may result in voluntary movement. In the body has stimulation may be described as partially electrical and chemical. Electrical in the motor neurons and sensory neuron ending initiate nerve impulse, and chemical is the transmission of impulse. Chemical के अंदर क्या होगा, transmission होगा किसका, impulse का, किसके बीच में, between one neuron and the next or between neurons and इफेक्टर ऑर्गन. एक न्यूरॉन से और जो नेक्स्ट जो है इफेक्टर ऑर्गन है उनके बीच में क्या है, ट्रांसमिशन रहेगा इसका. कंडक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू ट्रांसमिट एंड इम्पल्स. कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, एबिलिटी किसकी, ट्रांसमिशन की या ट्रांसमिट की, इम्पल्स ट्रांसमिट की जो है एबिलिटी है उसके ऊपर क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी. नेक्स्ट जो आज का अपना टॉपिक है वो क्या है, सेल बॉडीज. सेल बॉडीज में क्या होता है, नर्व सेल आर वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड शेप बट दे आर ऑल द सम स्मॉल टू बी सीन बाय द नेक्ड आई. सेल बॉडीज फ्रॉम द ग्रे मैटर ऑफ द नर्व सिस्टम. सेल बॉडीज क्या है, ग्रे मैटर ऑफ द नर्व सिस्टम एंड आर फाउंड इन द पेरिफेरली ऑफ द ब्रेन एंड इन द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो अपने ब्रेन के पेरिफेरल भाग में, और जो अपना सेंटर है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पे क्या आपकी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं. ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई. जो सेल बॉडीज का जो ग्रुप है उसके ऊपर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं. इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. जो ग्रुप है सेल बॉडीज का उसके ऊपर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं. सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड गैंग्लिया इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम.
एक्सोन एंड डेंट्रेट्स। एक्सोन एंड डेंट्रेट्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडीज एंड फॉर्म वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक्सोन और डेंट्रेट्स क्या हैं? एक्सटेंशन है इसके सेल बॉडीज के एंड फ्रॉम द कहाँ से वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक्सोन आर फाउंड इन डीप ब्रेन एंड इन ग्रुप्स। एक्सोन जो है कहाँ पे मिलते हैं? ब्रेन में मिलते हैं, ठीक है, और डीप में मिलते हैं और ग्रुप्स में मिलते हैं, कॉल्ड ट्रैक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट बोलते हैं, एट द पेरिफेरल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे क्या है? पेरिफेरली अपने को मिलते हैं। दे आर रेफर टू एज नर्व और नर्व फाइबर आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एक्सोन, ईच नर्व सेल हैज ओनली वन एक्सोन। जो प्रत्येक नर्व सेल है उसके रखती है ओनली वन एक्सोन, कैरिंग नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडीज। क्या करती है? कैरी करती है किसको? नर्व इम्पल्स को, कहाँ से? सेल बॉडीज से। दे आर यूजुअली लॉन्गर देन द डेंट्रोइड्स, सम टाइम एज लॉन्ग एज 100 सेंटीमीटर। ये क्या है? डेंड्रोइड से क्या है? लंबी होती है और इसकी जो लेंथ है लगभग कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट अपना है स्ट्रक्चर ऑफ एन एक्सोन। एक्सोन की स्ट्रक्चर, द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोमिया एंड इट एनक्लोज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडीज। जो मेम्ब्रेन जो है एक्सोन की उसको क्या बोलते हैं? एक्सोमिया बोलते हैं, ठीक है, और किससे एनक्लोज होती है? एंड इट एनक्लोज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडीज। लार्ज एक्सोन ऑफ दोज ऑफ पेरिफेरल नर्व आर सराउंडेड बाई ए माइलिन शीथ। जो लार्ज एक्सोन जो हैं, ठीक है, उनके चारों तरफ क्या होता है? सराउंडेड नर्व आर सराउंडेड बाई ए माइलिन शीथ इज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ए स्पाइन कॉर्ड अरेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सोन। ईच वन वाप अराउंड द एक्सोन सो दैट इज इट कवर्ड बाई ए नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ शोन सेल प्लाज्मिक मेम्ब्रेन। बिटवीन द लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन। जो अपनी लेयर है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? माइलिन बोलते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ शोन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज समटाइम कॉल्ड न्यूरमलिया। और जो आउटर मोस्ट लेयर जो है उसमें अपन क्या बोलते हैं? न्यूरमलिया बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सोन क्या है? द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड एक्सोमिया एंड एक्सोलिमा एंड इन एंड इट एनक्लोज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडीज। द लार्ज एक्सोन एंड दोज ऑफ पेरिफेरल नर्व आर सराउंडेड बाय ए माइलिन शीथ। दिस कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ शोन कॉल्ड अरेंज अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सोन। ईच वन इज वार्प अराउंड द एक्सोन
सो दैट इज कवर्ड बाई ए नंबर ऑफ कंसेंट्रिक लेयर ऑफ शॉन सेल प्लाज्मिक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बिटवीन द लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड माइलिन. जो फैटी सब्सटेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, माइलिन बोलते हैं. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द शॉन कैल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज समटाइम कॉल्ड न्यूरोलिमा. There are tiny areas of exposed axolema between axon cell called node of Renwer which assist the rapid transmission of nerve impulse. जो tiny areas है वो क्या करते हैं, of exposed axolema between axon cell called node of Renwer which assist the rapid transmission of the nerve impulse. ये क्या करते हैं, जहाँ पे क्या होता है जो ट्रांसमिशन है नर्व इंपल्स का वो क्या है, स्लो हो जाता है, रिपीट हो जाता है. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर एंड सम स्मॉल फाइबर इन द सेंट्रल नर्व सिस्टम आर नॉन माइलिनेटेड. इन दिस टाइप नंबर ऑफ एक्सोन आर एम्बेडेड इन शॉन सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द एक्सोन शॉन सेल आर इन क्लोज एसोसिएशन विद देयर एक्सपोज एक्जोलिमा. द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज सिग्निफिकेंटली स्लोअर इन नॉन माइलिनेटेड फाइबर. नेक्स्ट जो है वो क्या है, डेंड्रोइड्स. द डेंड्रोइड्स आर द मेनली शॉर्ट प्रोसेस दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडीज. डेंड्रोइड्स क्या करते हैं, जो इनकमिंग जो है यानी कि जो उनके पास जो इम्पल्स आती है उनको क्या है, टूवर्ड करते हैं. दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एज एक्सोन बट दे आर यूजुअली शॉर्टर एंड ब्रांचिंग. इसकी स्ट्रक्चर है क्या है, सेम होती है बट लगभग सेम होती है बट क्या होता है इसके अंदर, उससे छोटी होती है और उसकी क्या है, ब्रांचेज होती हैं.
इन मोटर न्यूरॉन्स दे फॉर्म पार्ट ऑफ सिनेप्सिस एंड इन सेंसरी न्यूरॉन्स दे फॉर्म द सेंसरी रिसेप्टर दैट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। डेंड्राइट से आगे की जो चीजें हैं नर्वस सिस्टम में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो है सभी स्टूडेंट अपने नोट्स प्रिपेयर करके रखिए। थैंक्स टू ऑल।